हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी आज की वीडियो गाइस जो है वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आप लोगों को भी जो है एक्ने एंड पिंपल्स के जो है मार्क्स एंड स्कार्स को रिमूव करना है एंड आप एक अच्छी नाइट क्रीम चाहते हो, आपकी स्किन ड्राई है, एक्ने प्रोन है एंड आपको बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो आपको आज का मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज मैं पर्सनली भी जो गाइस मेरे को पिम्पल्स एंड एक्ने होते हैं उनकी मार्क्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है गाइस, मैं इसको अच्छे खासे टाइम से यूज़ कर चुकी हूँ एंड आप मेरी इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो। मैंने बहुत टाइम पहले इसको अपलोड किया था कि मेरे को जो है ये मैंने रिसीव किया है पार्सल अपना, तो मैं इसको सेम डे से मैंने यूज किया है एंड इट हैज बीन ऑलमोस्ट 2 weeks नाउ वेयर आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड आई कैन एक्चुअली शेयर माई जेन्युइन रिव्यू विद यू। सो नाउ विदाउट ब्लैबरिंग एनी फर्दर, नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। यू कैन सी द पैकेजिंग इज वेरी सुप्रीम, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस पर बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वाइटामिन सी ई एंड हाइलुरोनिक एसिड ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। साइड में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है द सीक्रेट टू यंग रिजुविनेटेड स्किन। द एक्टिव इंग्रीडियंट्स इन दिस क्रीम इज वाइटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई, शिया बटर, प्योर ऑयल्स एंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है इसमें, कोई पैराबेन नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, सिलिकन नहीं है एंड कोई मिनरल ऑयल्स भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं गाइस इसकी इंटरनल पैकेजिंग। व्हेन यू ओपन इट गाइस, आपको इस तरह से बहुत ही लग्जूरियस सी पैकेजिंग लगती है एंड इट्स वेरी नाइस। सो दिस इज द यू नो ग्लास टब, काफी ह्यूज है एंड इसके बॉटम पे जो है गाइज आपको एक्सपायरी डेट मिल जाती है, इसका प्राइस मिल जाता है, इसका वेट मिल जाता है, एवरीथिंग इज मेंशन डाउन बिलो। एंड जैसे ही आप इसे ओपन करते हो गाइज, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, स्मेल बिल्कुल भी आर्टिफिशियल टाइप्स नहीं है। इसमें आपको जो एसेंशियल ऑयल्स की स्मेल होती है गाइज, वैसी स्मेल आएगी, नो आर्टिफिशियल एडेड स्मेल इज देयर, विच इज ग्रेट एंड यू गेट अ पीची सॉर्ट ऑफ यू नो क्रीम। Guys, when you see the texture of this, it's very very soft and you know बहुत ही hydrating feel होता है। Even though it's a night cream, still ये बहुत ज़्यादा lightweight है, बिल्कुल भी you know आपके pores को clog करने वाला या फिर आपको बहुत ज़्यादा thick cream जो होती है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बहुत lightweight इसका texture रखा गया है ताकि इससे आपको further कोई breakouts ना हो जाए। ये बहुत जल्दी जो है कोई भी क्रीम से अगर ब्रेकआउट होना होता है तो विदिन 1 to 2 days मुझे दिख जाता है, बट इससे मुझे बिल्कुल भी नहीं हुए। एंड हालांकि मुझे व्हाइट हेड्स थोड़ा सा लग रहा था कि व्हाइट हेड्स हो गए थे मुझे, बट आई एम नॉट श्योर कि इसकी वजह से है या फिर मैंने जो बहुत ज्यादा ऑयली खाया उस वजह से था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पिंपल या एक्ने एज सच मुझे फेस नहीं हुआ। जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इसमें जो है हल्का सा जो है गाइस मैं कहूंगी थोड़ा सा व्हाइट टिंट आपको मिल जाता है, जस्ट इन केस आप फेस पे अपने बीबी क्रीम वगैरह नहीं लगाते हो एंड आपको जो है बहुत ही नेचुरल सा ग्लो चाहिए तो आप इस क्रीम को लगा के दिन में भी इसे यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, जहां तक कि इसके एक्ने स्कार्स और ब्राइटनिंग की बात है, आप देख सकते हो कुछ टाइम पहले जो है मेरा फेस एंड जो मेरी नेक थी वो थोड़े से जो है मिसमैच लगते थे, बट नाउ माई नेक हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। मेरी नेक पे जो है काफी ज्यादा टैन था एंड एज कम्पेयर टू दिस एरिया, इस एरिया पे जो है ये बहुत ज्यादा पोज होता था मेरे क्लोथ्स में, तो इस वजह से यहाँ पर जो है मुझे टैन था। काफ़ी हद तक इसने मुझे हेल्प किया है, ये मैं एग्जैक्टली आपको डिफरेंस दिखा सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप ओवर हियर। बहुत ज़्यादा स्टबर्न एक्ने मार्क्स हैं या पिंपल मार्क्स हैं तो आपको कम से कम 1 to 1.5 months तक आपको इसे यूज करके ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट डेफिनेटली अगर आपके फ्रेश एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल मार्क्स हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको जो है वो हील होते हुए दिखेंगे, प्लस आपकी स्किन जो है आपको काफ़ी ग्लोई एंड इवन टोन लगेगी, वो सबसे अच्छी बात थी गाइस। बिकॉज हल्के से डार्क सर्कल्स हैं इस तरफ अंदर इनर कॉर्नर्स पे, मुझे वहां पर भी इफेक्ट लग रहा है। हाउएवर मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आप इसे बहुत क्लोज अप्लाई करें आइस के, बट थोड़ा सा मैं इसको यूज कर लेती थी अपनी अंडर आई क्रीम के साथ में, तो आई थिंक मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड आई कैन हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस आउट। ये प्रोडक्ट आपको 50 grams का 1200 rupees का मिल जाता है, इसकी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना होता है, आपके फेस पे बहुत अच्छे से ग्लाइड डाउन हो जाता है, तो अगर आप इसको वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये कम से कम 3 to 4 months तक लास्ट कर सकती है, विच इज ग्रेट, इट इज वैल्यू फॉर मनी, सो आई कैन हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक और प्रोडक्ट जो है मैंने इनकी वेबसाइट पे से ही देखा था, दैट इज देयर रोबस्टा कॉफी पील ऑफ मास्क। नाउ जस्ट इन केस गाइस, अगर आप पील ऑफ मास्क वगैरह अच्छा सर्च कर रहे हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो इनका कॉफी का, एंड इसमें भी कोई पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल, सल्फेट नहीं है, इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इसमें आपको 100 grams प्रोडक्ट मिल जाता है फॉर 500 rupees। गाइस जो पूरी पैकेजिंग है वो इस तरह से आती है, बहुत ही लग्जूरियस फील होता है, पूरी ऊपर तक फिल है, काफी हैवी बॉटल होती है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना होता है एंड इसमें गाइस कॉफी के एक्चुअली में
ग्रैनुल्स आप फील कर सकते हो. जब आप इसे अपने फेस पे लगाते हो तो आप इसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशंस में अप्लाई करते हो और उसके बाद उसे ड्राई होने के बाद जब पील ऑफ करते हो गाइज आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं. बहुत ही ब्राइटेंड लुक लगता है एंड यू कैन फील सो मच फ्रेश. इवन जो आपके बहुत स्टबर्न ब्लैक हेड्स भी हैं गाइज ये उसको भी रिमूव करता है बिकॉज इसकी काफ़ी अच्छी थिक लेयर बनती है. तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पील ऑफ मास्क चाहते हो एक अच्छा जिससे आपको स्क्रबिंग वाला इफेक्ट भी मिले सो यू कैन डेफिनेटली चेक देयर कॉफी रॉबस्टा कॉफी पील ऑफ मास्क. लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. गाइस आपको मेरा मिनी रिव्यू अच्छा लगा हो इन दोनों ही न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ वॉज माई वीडियो एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज. अंटिल नेक्स्ट टाइम मी दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ. बाय बाय.